सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन पे ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले फुल पावर में। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या फिर जिसे हम स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें एक इंसान के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज होती हैं। एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज से मेरा मतलब ये है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर एक पर्सनैलिटी होती है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी जीता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं, आप या आपका दोस्त, हम सब जैसा भी बोलते हैं, सोचते हैं, रहते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी है जिसको लेकर हम जीते हैं। लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस में एक इंसान के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज होती हैं। और आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो एक इंसान अलग अलग पर्सनैलिटीज को अपना लेता है। सो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन डिसऑर्डर, साइकोसिस, कन्वर्सेशन डिसऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे डिसऑर्डर्स को साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं और ये दोस्तों एक मेंटल इलनेस होती है। डॉक्टर डेविड काइसर और डॉक्टर रॉन लाइफर जैसे बड़े साइकाइट्रिस्ट का ये कहना है कि आज के जमाने में कोई भी इंसान जो कि साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में से किसी भी डिसऑर्डर का शिकार होता है तो लोग उसे एक मेडिकली बीमार रोगी इंसान घोषित कर देते हैं और उसको दवाई खिलाते हैं और तरह तरह के टेस्ट करवाते हैं, जो कि एक गलत चीज है। दोस्तों, मेंटल डिसऑर्डर एक टर्म होती है जिसमें कि हमारी आपसी जिंदगी में घटी कुछ घटनाएं या फिर परिस्थितियां हमारे ब्रेन पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालती हैं कि उसके फंक्शंस डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं और फिर एक इंसान साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में से किसी भी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज और सिचुएशन। इन शॉर्ट दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जो कि मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है या फिर उसे दवाई की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें बात करके भी सुलझाया जा सकता है। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इन शॉर्ट डीआईडी या फिर मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोस्तों, ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है और इस प्रॉब्लम का शिकार होने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि बचपन में सर पर चोट लगना, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज या फिर इमोशनल अब्यूज। जो इंडिविजुअल डीआईडी का शिकार होते हैं उनके अंदर एक या एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज होती हैं, जो कि उनकी बॉडी और बिहेवियर पर अपना कंट्रोल करती हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि 99% ऑफ द टाइम चाइल्डहुड अब्यूज, ट्रॉमा, मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज ही रूट कॉज होते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी के। अब इससे एक बात तो तय हो गई है कि कोई भी इंसान बायोलॉजिकली या फिर बाय बर्थ इस प्रॉब्लम के साथ इस दुनिया में नहीं आता। इस प्रॉब्लम की मेन जड़ होती है उस पर्टिकुलर इंसान के एनवायरमेंट में रहने वाले लोग और उसके अपने। अब मैं आपको इस दुनिया के सबसे पहले पेशेंट की कहानी बताऊंगा जो कि स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार था। 12 फरवरी 1863 फ्रांस, लुइस विवेट नाम के एक इंसान का जन्म हुआ जिसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। पैदा होने के बाद लुइस जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ और चीजों को समझने लगा तो लोग उसे निगलेक्ट करने लगे। लोग उसे तरह तरह के नाम से पुकारते, मारते, पीटते, इन शॉर्ट मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते। माँ ने भी लुइस का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में एक 7 साल का बच्चा अकेला पड़ गया जिसका कोई भी नहीं था। उसके बाद लुइस गलत कामों में इन्वॉल्व हो गया, जैसे कि चोरी चकारी, लड़ाई झगड़े, वो भी सिर्फ 7-8 साल की उम्र में। उसके बाद लुइस को हाउस ऑफ करेक्शन में भेज दिया गया, जहां पर 18 साल तक की उम्र तक उसे पाला पोसा गया। जब लुइस 17 साल का था, एक फार्म पर काम करते वक्त एक वाइपर स्नेक लुइस के हाथ पर खुद को लपेट लेता है। ये इंसिडेंट लुइस को इतना डरा देता है कि उसकी कमर के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर वो वहीं उन लोगों के साथ उनकी निगरानी में रहने लगता है। हॉस्पिटल के लोग लुइस का ख्याल रखते थे और एक दिन अचानक 1 साल बाद लुइस जब सोकर उठता है, उसकी पैरालाइज बॉडी ठीक हो चुकी होती है और वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये ठीक हुआ लुइस जो कि अभी सोकर उठा था, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने हॉस्पिटल के एक एक इंसान को पहचानने से मना कर दिया और वो हॉस्पिटल के लोगों को कहने लगा कि तुम सब लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। जब साइकोलॉजी की दुनिया में ये न्यूज फैली तो चारों तरफ इसके चर्चे होने लगे। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस केस को स्टडी कर रहे थे और तभी एक नई टर्म का जन्म हुआ, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। लुइस की ट्रीटमेंट और स्टडी के दौरान पाया गया कि उसके अंदर सिर्फ एक नहीं 10 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना था कि उसके अंदर सिर्फ 2 ही पर्सनैलिटीज हैं। जिस हॉस्पिटल में लुइस रह रहा था जब वो पैरालाइज हुआ था, वहाँ के स्टाफ ने बताया कि पैरालाइज होने से पहले और जब वो पैरालाइज था, लुइस का बिहेवियर बहुत ही काइंड था और वो एक सॉफ्ट हार्टेड और शांत स्वभाव का इंसान था। लेकिन जब वो पैरालिसिस से ठीक हुआ, उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। ये नया लुइस गुस्से से भरा हुआ था और बहुत ही भड़का हुआ। इसकी आवाज की टोन भी बहुत बदली हुई थी। जब साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी लुइस के पास्ट के बारे में तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो नया लुइस है, जो कि बहुत ही गुस्सैल और भड़का हुआ है, इसका रिलेशन लुइस के बचपन से है।
तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब लुइस छोटा था उसे बहुत टॉर्चर किया गया, मेंटली और फिजिकली अब्यूज भी। जब ये सारी घटनाएं लुइस के साथ उसके बचपन में हो रही थी तब उसके अंदर एक नई पर्सनैलिटी का जन्म हो रहा था। बचपन में इतना कुछ सहते वक्त लुइस अंदर से बहुत गुस्सा हुआ होगा और चिड़चिड़ा भी, लेकिन छोटा होने की वजह से वो शायद इन सबको सहता रहा और तभी से ये पर्सनैलिटी उसके अंदर छुपी हुई थी जो कि अब बाहर आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, लुइस के अंदर जो बाकी की पर्सनैलिटीज थी वो सब अपने आप में यूनिक थी और सबकी अपनी ही अलग एक कहानी थी। फॉर एग्जाम्पल एक लुइस जो कि बहुत ही जेंटल और हार्ड वर्किंग था, एक लुइस बहुत ही आलसी था, एक लुइस ऐसा भी था जिसकी लेफ्ट साइड की बॉडी पूरी पैरालाइज थी, एक लुइस बहुत ही गुस्से वाला था और एक लुइस जिसकी पूरी लोअर बॉडी पैरालाइज थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी डीआईडी की, इसके बाद आज तक बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। दोस्तों मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायरेक्ट रिलेशन होता है एक इंडिविजुअल के चाइल्डहुड और एनवायरनमेंट से जहां वो रहता है। इस टॉपिक को लेकर आज भी बहुत डिबेट होती है और इस छोटे से ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना इतना आसान नहीं। People also refer us for the assessment as well as for the therapy. I deal with the depression patient, psychotic patient here, and also I am doing assessment for the LD children, learning disability children. School refer for the learning assessment. So we thorough counsel as well as we do assessment for them. And I also have my own setup that my own father and mother name, Rang Vimal Mansik Arogya Kendra Clinic. There also I am practicing doing psychological assessment as well as psychotherapy. And currently also I am associated with Indian Psychology Association Counseling and INSPA. There also I am doing COVID counseling. Thank you, ma'am. You're welcome. Thanks a lot for your introduction. Thank you, Ms. Jyoti Kamble. We'll move ahead to Nimrit, ma'am. Ma'am, please introduce yourself. Are you there, Ms. Nimrit? If you're there and you can hear me, Nimrit, ma'am, please introduce yourself. Okay, so we'll wait for you to get back to us and join us in this iWeb meet. Discussing today on DID, that is a dissociative identity disorder. I would also like to add, since it is 4:30 and we've begun the session, we've covered the introduction for all our experts, our honorable experts. The only glitch that was there was the recording did not begin for all the experts. So here I have a solution. As I ask you all the question, the expert who's answering the question, I would request you all to just add in your designation or a little short description of yourselves as you start to answer in the very, very first questions that you're answering, so that everybody can know you through the recorded session on YouTube. So, my first question to all the experts and whoever would like to answer that can answer is, what actually is dissociative identity disorder, and what are the causes of dissociative identity disorder? How do we describe the causes and how do we come about why this is going to occur and why is this brought up into any human being? Over to you all. Yes. May I? Yes, ma'am. Please go ahead. So anyone who wants to answer can raise an emotion sign also and just speak like Geeta ma'am did. Please go ahead, ma'am. Yeah. Geeta Gosai, rehabilitation psychologist, RCI registered, as well as a school counselor working with the school children more than 10 years. I will reply this question. What is dissociative identity disorder? Actually, this is a mental illness with a person with multiple personalities. A person dissociated with his own ground self,
awareness, his consciousness, personality, behavior, perception, and has many, many personalities. So the person himself or herself is not aware when another personality gets dominant over his ground personality. And it may be, I mean, the other personalities, maybe the person may enter in another gender, may enter in different, sometimes people say, okay, I'm a godly figure or, I mean, whatever personality they enter in, they are not aware consciously. So disintegrated with their own grounded self. And when that personality ends and they come in their grounded form, their own form, then they only recognize, some time distortion or time disintegration happened. Only this much they can recall, something has happened. Okay. This dissociative personality identity disorder happens due to any severe trauma in childhood, some prolonged severe trauma where the person was, person met with some accident or undergone some prolonged isolation or death of the near and dear one, which impacted person's emotional, psychological, mental state so deeply that his level of consciousness got disintegrated, it divided and deformed. So cognitive impairment happens and the person is not able to identify their own thoughts, feelings, emotions. Derealization, depersonalization happens in this case. So the main cause is some severe trauma, some abuse, some isolation case, or some such hurt or which happened due to death of near and dear ones. This all causes this kind of disorder. And it is it is very rare disorder. I mean, it's not common. Yes. Where fake personality comes in front, and it's very difficult to judge that someone is faking. Because personality is the composure of so many elements, so many processes, that it is not easily identified. It takes 5-6 years to intervene or to come out as the person is having such kind of disorder, and after a long history, psychotherapy, or persons dealing with person. So this all is about dissociative identity disorder. Thanks a lot. Thank you, ma'am. And this makes me feel that there is a lot of, or there are many D's which are connected with the dissociative identity disorder, depersonalization, deintegration, so many of the D's, right? Jyoti, would you like to add something? You raised your hand. You're not audible. हेलो इज इट ऑडिबल या प्लीज गो अहेड या मैम मेरा भी सेम वही डिस्क्रिप्शन था जो मैडम ने बताया कि डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है पहले उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा गया था और अभी उसको डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा गया है कुछ कुछ चीजें सिमिलर ही थी जो मैडम ने बताया कि जो उनकी कंडीशन होती है वो टेम्पररी डिसरप्शन होता है वो एक पर्सन के मेमोरी कॉन्शियसनेस और उसके सेल्फ आइडेंटिटी के लिए और जो साइन एंड सिम्टम्स मैडम ने बताया वो वही है लॉस ऑफ मेमोरी रहता है डीरियलाइजेशन होता है डीपर्सनलाइजेशन होता
है ना। और कॉजेज जो है, मैम ने एक बहुत अच्छा कॉज बताया है जो हम लोगों ने भी देखा है कि चाइल्डहुड ट्रोमैटिक इवेंट होता है, कि कुछ ना कुछ ट्रोमैटिक जो है चाइल्डहुड में होता है, तभी जाके वो सप्रेस होके वो आगे तक वो चीज आती है, वो निकल के आती है। जो एक पर्सन होता है वो खुद के चीजों को जो है लिंक कर पाता है, वो स्ट्रांगली जो उसका जो ट्रॉमेटिक इवेंट होता है वो उसके एक्सपीरियंस से लिंक होके वो चीज उसका मेन कॉज बनता है। या कुछ कॉज ऐसे भी आते हैं कि कुछ कुछ लोगों के फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री है तो उसको देख के वैसा करने लग गए हैं, राइट। या दूसरों को देख के जैसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, वो एक कॉज हो सकता है। या बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस है, वो भी एक कॉज हो सकता है, राइट। सो इन्फ्लुएंस से कैसे, आई वुड जस्ट लाइक टू मैम, जैसे कि फैमिली में किसी को है, राइट, बच्चे ने चाइल्डहुड से देखा है कि मदर जो है मतलब ऐसा सिचुएशन कर रही है कि दादी के लिए कि खाना ना बनाना पड़े, तो बचपन से वो बच्चे देख रही है कि मेरी मम्मी अगर ऐसा बिहेवियर करती है कि मेरे बॉडी में एक हो रहा है, या मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर एकदम ऐसी पर्सनैलिटी बिहेव करना जो एकदम एक आदमी की तरह आवाज आ रही है, तो चाइल्डहुड से वो बच्चा जो है वो चीज इवेंट को एक्सप्रेस करता गया, लर्न करता गया वो बिहेवियर को, और वो बिहेवियर इतना स्ट्रेंथन हुआ कि देन अगेन वो भी एक स्टेज में आके उसने भी उस तरह से आके बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. I think I should move on to the next question. We have to use Hindi language also as per our convenience. So, कुछ ऐसा relationship है क्या जो dissociative symptoms को और उनकी presentation को visual stimuli के साथ या activate करते हैं या deactivate करते हैं? So, I am presenting this question on screen for you all. That is there a relationship between dissociative symptoms and the presentation of visual stimuli, which either activate or deactivate a response? If anyone wants to answer, please give me a clue. At times, emotional abuse usko activate zyada kar deta hai. Okay. I mean, when a person is emotionally abused, then dissociative disorder iska hai. तो दैट थिंग गेट्स मोर एक्टिवेटेड, या मतलब उसमें वो एक्टिवेट ज्यादा हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द थिंग बिकॉज एट टाइम्स पीपल टेक जो इस तरह के पर्सनालिटी जो होते हैं दे डोंट नो कि दे हैव दिस पर्सनालिटी, तो दे कैन बी आई मीन दे कैन बी इमोशनली अब्यूज्ड आल्सो, सो देन इट एक्टिवेट्स मोर। ऑलराइट, ओके, सो स्टिमुलाइज डू हैव एन इंपैक्ट, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ते हैं। यस, बिकॉज़ दिस पर्सन दे डोंट अंडरस्टैंड ओनली दे हैव दिस मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटी, मतलब इनको खुद नहीं समझ में आता है, ठीक है, इनका सब इसको समझने में उनके फैमिली मेंबर्स या उनको भी काफी टाइम लग जाता है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू दीपिका मैम। भारती मैम, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का जब डायग्नोसिस हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, तब देखा गया कि बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल कंडीशंस में सिचुएशंस में वहां पे फाइट कर रहे हैं, और दे वर वेरी फिट फिजिकली एंड दे वर डायग्नोस विद डिसोसिएटिव एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो ये पाया गया कि जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उनसे अपने को बचाने के लिए, एक उससे एस्केप करने के लिए, ये कई बार फिजिकल सिम्टम्स के रूप में ये जो सिम्टम्स हैं आ जाते हैं। ओके, सो मुझे लगता है जो जैसे लाइक स्टिमुलेई का आप बात कर रहे थे, तो जो एक सिचुएशन है दैट इज आल्सो डिफिकल्ट सिचुएशन इज अ स्टिमुलेई देयर, सो दैट इज प्रोवोकिंग द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम दोस स्टिमुलेई डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड देन डेफिनेटली दिस लीड्स द रिडक्शन ऑफ दिस सिम्टम्स। Okay. Would someone
would like to add something. Yes, ma'am. Please go ahead. Please. Yeah, myself, Hiral Khimani. I'm a counseling psychologist. I'm a RCI registered psychologist. And I just would like to add one point that when a child is actually having some kind of trauma, like a child abuse, it actually leads to dissociative disorder. Mm-hmm. And if something in the future life, I mean, in the extended life, if some kind of activating event of such things she hears or she gets to see some experience, episode of this, that actually triggers this kind of disorder and then it can be manifested. Like I had seen a case in which the child had undergone this kind of child abuse and was actually having a DID and she was showing the multiple personality of a person who was actually the abuser. Okay. So, and it was a real chronic case and it lasted for actually many years. She had to rehabilitate too and a lot of therapy was to be given. So, yes, the activating event is definitely there. Okay. So, ma'am, as you've already spoken about a case of yours, why don't we discuss about the treatment patterns that are involved in DID? If you have some inputs from your end and then we can ask the rest of the experts. See, family therapy. Ma'am, you wanted to say something? Ma'am, please continue. Yeah. So, family therapy really helps here. And of psychosomatic treatment helps, and she had become, actually she had also become very very aggressive, where she was, there were constant episodes were there, so of this de-association and de-realization, depersonalization, so she be rehabilitated, she had to be put in the rehabilitation center, and her parents, it was very difficult for her parents to accept that this is a mental illness like that. Like they actually taken a more realistic ground, religion. Unko actually laga ki meri beti wo superpower natural hai, sharir mein actually God given strength hai, and that is the manifestation. Actually, she was manifesting the personality of the abuser. Okay, with too much of counseling and too much of family therapy, but still it is a chronic case. I just said it is a chronic case, and again, very rare. Now, in my 16 years of my practice, I've just seen a single one, this case, like, pertaining to DID. In fact, I think it is very good that it is only rare, because in our culture, like you said, ki family ko lagta hai ki usme already actually kuch super power aa rahi hai, so it is very difficult to treat. Very difficult, and usko even that thing was coming in the way for, you know, giving the treatment kind of thing. She was not ready to come for the treatment, and she was there. The family was really not very cooperative. When we told her something like this, then she was like, nahi nahi, aap log ko kuch samajhta nahi hai, ye devi hai. And the kind of background, the culture background also, what they were coming about from, they readily accepted this thing. And as a result, the treatment process was really, really very difficult to go about. I would just want to add over here, I mean, this what you said, no? To make people believe this, I mean, this awareness of DID is so less, ki har samay hum log isko किसी ना किसी स्पिरिचुअल पावर, उसमें कुछ पावर है तब वो ऐसा कर रहा है. बट मोस्टली आई मीन दिस चाइल्ड अब्यूज सेड, यू सेड इट वाज माय, इन माय केस इट वाज नॉट दैट अक्यूट, बट देयर वाज अ, आई मीन शी वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एंड आफ्टर काउंसलिंग इट केम आउट दैट इट वाज अ चाइल्ड अब्यूज, एंड दैट आल्सो एट अ वेरी यंग एज. एंड शी स्टार्टेड रिलेटिंग विद द अब्यूजर इन अ वे, इन वन ऑफ हर माइंड शी वाज लाइकिंग इट, शी स्टार्टेड had a liking for the abuser, and she was, and the other mind, she had a friendship, she had a relationship, so there was a conflict in her only, that what is she wanting. So, but people over nearby, they feel that there is some superpower acting and kuch hota hai and things like this. This is a very, wrong notion in the society, because there is no awareness of this DID. True, very true. So across the globe, yes, ma'am, please go ahead. Yes,
ये मैं एक ऐसा इवेंट जो मैंने देखा है डीआईडी का, जो बड़ा ही पेनफुल फील किया मैंने, कि एक लेडी डीआईडी उसको होने से वो कभी अलग अलग पर्सनालिटी मल्टीपल पर्सनालिटीज में वो बिहेव करती थी, तो मैंने लोगों को घर वालों को पीटते हुए देखा है उसको, या फिर जैसे वो भूत प्रेत का कि इसको कुछ ऐसे इवल पावर्स आ गई हैं, या मिर्च जलाना, ये सब सो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है, इसके बारे में अवेयरनेस होना लोगों के कि कैसे हम इसको इसमें एक अपने अवेयरनेस में ला सकते हैं ट्रीटमेंट में, जैसे टॉक थेरेपी, टॉकिंग टू ब्रिंग आउट द इवेंट्स व्हाट हैपेंड इन पास्ट, ज़्यादा बातचीत करके, और उसको सेल्फ ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर सेंसेस, सारे सेंसेस इन्वॉल्व करने वाली एक्टिविटीज़ जिसमें कि हमारा टच है, हमारा विजुअल है, और हमारे फाइव सेंसेस इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज़, और जितना हम पर्सन से बात कर सकें, जितना उसके साथ एक रैपो बिल्ड करके वो एक अवेयरनेस के स्टेट में आए और कोपिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सके उसमें, बिकॉज दिस इज कोपिंग, अ कोपिंग स्ट्रेटजी उस ट्रॉमा से, वो जब सिचुएशन आती है, वो याद आती है या कोई उसके बारे में बात करता है, तो उससे कोप अप करने के लिए इस टाइप से ये सिम्टम्स शो करता है, पर्सन रिफ्लेक्ट करता है, एक अवेयरनेस इसके बारे में, ना कि कोई देवी देवता या भूत प्रेत, ये हमारे सोसाइटी में बहुत है और बहुत नीड है लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी, तो दैट्स ऑल. And this I agree, this needs a lot of awareness. I mean, yes. really a lot of awareness. Because iska bahut wrong treatment ho jata hai, kabhi kabhi bahut maar diya jata hai, ya something makes the person feel god. So both are equally wrong, no? Both are extremes. Right. And we need a lot of talk therapy, counseling, empathy. Ye sab cheez, in these things is needed, in these cases is needed a bit more. I mean, a lot of patience is also required. Okay. So what I have realized while listening to all of you is that the dissociative identity or the different personality, the multiple personality of an individual is actually a coping mechanism for him or her to deal with whatever trauma or abuse he or she has been through, right? So when we talk to these individuals, the catharsis, the talk therapy, the a lot of counseling that helps, because the person is starting to cope up with his own present grounded personality mechanisms. Right, very true, all right. So for you all, I have a very small instance, but it is very recent. The thing is, we have a series that is Breathe. The series name is Breathe. Abhishek Bachchan is being casted in this series, and this is based on multiple personality disorders or the DID. I watched this, and what I realized was he had two personalities, aur unko pata nahi tha kyunki do personalities hain. So unke father bahut abusive the, which is why the child in the childhood was a very suppressed one. He could not speak up, he could not open up, he used to hide himself away, and because of that he was too much attached with her, with his mom, because that was the only person who he could ask for some support and love. Eventually mother dies, and this child perhaps was not really good in age. He was in fact below 10 years of age, if I am right. As this child faces this accident, and as he is rescued, because he was the only one rescued, wherever he stands, there he sees a letter that is J, and whatever age was his, when he has that coping mechanism, he has a physical symptom. He would do something like this to his hand, and he had a limp in his left foot. He would start limping, and to himself, he would connect with that letter J. So this personality was formed, which was named as J now. And in this personality form, when he switches,
naturally by his coping mechanism. He would limp, he would start with this, and then his personality would switch, his facial symptoms would switch completely. He would behave like, actually, because it is an abnormality, those different facial features would be there. He would start limping. And what he would do was, this would actually happen when the primary personality was in trouble. जब प्राइमरी पर्सनालिटी को कुछ इमोशनल ट्रबल था जो वो कोप नहीं कर पा रहा था तब ये पर्सनालिटी वुड कम इन टू प्ले एंड द स्टोरी इज लाइक द फर्स्ट पर्सनालिटी इज अ साइकियाट्रिस्ट द ओरिजिनल पर्सनालिटी इज अ साइकियाट्रिस्ट हिमसेल्फ एंड जो स्विच पर्सनालिटी है जो जे है वो किडनैप कर लेते हैं उसी अपनी प्राइमरी पर्सनालिटी की डॉटर को और वो कभी दोनों का सामना नहीं होता. दे नेवर कम टू नो दैट आई हैव माय ओन डिफरेंट पर्सनालिटी एंड इन हिज चाइल्डहुड डेज आल्सो इन हिज स्कूल हिज प्रिंसिपल ही रियलाइजेस बिकॉज ही वाज अ सन हु डिड नॉट हैव हिज पेरेंट्स ही वाज द ओनली पेरेंट टू दिस चाइल्ड नाउ प्रिंसिपल रियलाइज्ड ही वाज टोल्ड बाय अ साइकियाट्रिस्ट इन देयर स्कूल that was a hostel school, that this child has formed a multiple personality and uske ye symptoms hote hain, they are related and they are helping each other survive. But now the psychiatrist also mentioned that abhi isko alag karne ka koi tarika nahi hai, koi fayda nahi hai because otherwise he will not be able to survive because the present personality, the primary personality also tried committing suicide multiple times and he was just rescued and not let to commit one or get into a suicide activity. So that's how the child never comes to know that he has a personality which is doubled. And even when he comes to know in the later adulthood, he is the very same way. He was sent into a rehab center. What do you have to say about it? Is the story a true depiction and everything is like in sync and this is what happens? There are physical symptoms and everything. To add on with that, what you said is the same, right? It's very chronic and it's lifelong. It cannot be like taken away. The two personalities can never be taken away. But the case what I had seen, that lady had less follow-up comparatively. But then definitely, since it was an abuser, the personality of abuser she was trying to tell, that I had undergone this thing. Okay, but then definitely it is like the both the personality cannot be moved apart. So the treatment process is also a very big thing and it's very, very chronic. Okay. Just to let you all know, if the meeting ends up at 5, I will send immediately in the group a link that you will need to rejoin. Or you can try rejoining the very same one. Okay. So, thank you, Hiral ma'am. Do we have more inputs with this? Yes. Anyone else wants to add? Any expert wants to add? Yes, Jyoti, please. Yeah. जैसे आपने कहा कि इसमें सुसाइडल आइडिएशन इसको आ गए थे, ठीक है, क्योंकि सुसाइडल आइडिएशन तब आते हैं जब उसके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड आया है, सैडनेस ऑफ मूड है, क्योंकि डीरियलाइजेशन डीपर्सनलाइजेशन है, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे हम साइकोथेरेपी दे रहे हैं, सीबीटी दे रहे हैं या हम सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सुसाइडल आइडिएशन है तो ये एसोसिएटेड जो सिम्टम्स हैं वो भी उसके अंदर आ गए हैं डीआईडी के साथ. जैसे हम बोलते हैं बहुत सारे एसोसिएटेड डिसऑर्डर इसके साथ होते हैं डीआईडी के साथ, पर्सनालिटी है या डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो यहाँ पर इसके साथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर है डिप्रेशन, तो उसके लिए हम सीबीटी देंगे. उसकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है उसके लिए हम उसके लिए हेल्प करेंगे, किस तरह के थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं अगर वो अगर सफर कर रहा है, तो उसके लिए हम सीबीटी के लिए उसके लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन. जी, बस ये चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ. जी, थैंक यू. सो वी डू नॉट रियली हैव अ लाइफलॉन्ग सॉल्यूशन टू दिस. लाइक वी से कि इन एनी क्रोनिक इलनेस व्हिच इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ देयर इज ओनली ट्रीटमेंट, देयर इज नो क्योर एज सच. सिमिलरली विद डीआईडी इट इज इवन मोर क्रोनिक एंड वी डू नॉट हैव अ क्योर फॉर लाइफ. दैट इज सो sad, and this is being a very rare disorder. I think this is very
chronic and very perplexing for the society. We really need to create more awareness about dissociative identity disorder. More awareness is actually needed on this ground, because whenever a person gets into something like this, is the family is not ready to accept this as a mental issue. So that is the main issue, that they don't actually, I think meeting is important. So they don't accept it as a mental illness. That is a main issue, and that actually makes it very, very difficult to approach into a therapy session. Yes, yes, true, ma'am. मैम अवेयरनेस इसीलिए इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि जो फैमिली है वही पहले एक्सेप्ट नहीं करती है, स्पेशली अगर फीमेल अगर केस है तो उसको तो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, या वुमेन केस है अगर किसी की मैरिज हुई है, अगर उसके साथ ये जो ट्रॉमेटिक अगर इवेंट हो के फिर अगर ये डिसोसिएट डिसऑर्डर अगर उसके अंदर आया है, डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर, तो सबसे पहले तो फैमिली थेरेपी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के अंदर अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस उनको आना चाहिए, तभी फिर हम आगे जो है फर्दर पेशेंट की भी हेल्प कर पाएंगे। जी मैम, मुझे लग रहा है कि सब क्वेश्चंस मैंने पूछे भी नहीं, बट फिर भी सबके आंसर्स आ गए हैं हमारे पास, लाइक ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस दैट आई डिस्प्लेड, एंड इट हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। ऑल्दो मुझे जान के बहुत बुरा लगा कि हम शायद बहुत लिमिटेड कुछ कर सकते हैं डीआईडी वाले क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए, बट येट इट वॉज अनदर ब्यूटीफुल सेशन एट आईविप, एंड एज इट इज 5 PM आई एम ऑल्सो wondering if the session would end anytime. If you all have any questions, we can carry on this session if you want to add something. Otherwise, we would like to conclude it here. We can conclude it. Okay. Yeah. Thank you all. Thank you all for being a part of this session. Thank you all, the experts, the honorable experts. Thank you. Thank you, Rumi. Thank you. Yeah. Most welcome. Most welcome. Thank you all for being here. And I think I will also create a video on DID very soon. We need more awareness video on this, I think. Yes, yes. I will create one. Bhumika had asked for one video. I think I should do that. I will definitely do it in the near days. Bye, Rumi. Bye, ma'am. Bye, everyone. Thank you all. Namaste. I'm very, very sorry. It's okay, ma'am. It's so nice to see your face. No, you know what happened? I just got busy with something else. I put it on. I thought I'm coming back, but I just couldn't make it. You're like ending the meeting, right? I understand. Yeah, yes, we are. Yet if the meeting is still there, we can have an input from you if you want to give. Please do. I don't know what you all spoke about. I have no idea, so I really don't know. But I think we've introduced, you know me, right? No, for me as a host, it's the first time I'm there in the meeting with you. Okay. So, I am a psychologist. I practice in Ahmedabad for the last 23 years. I have my own setup in the name of Tangram. And what else? So, I practice essentially... it's called the ISTDP, Intensive Short-Term Psychodynamic Psychotherapy. I recently took a course on trauma therapy, which I thought was very beneficial. I would like to connect with you, ma'am, for the very same. Sure. Lot of techniques which I picked up from there, and I just realized a lot of our patients who come to us have small T, small traumas, big traumas, most of the people. And the more I'm learning, I have very little knowledge of this right now. I'm also under supervision. I realize most of us are products of that. And because we've never dealt with them. Absolute truth. They keep coming up. And I learned some powerful exercises of stabilizing. So I'm using that very effectively with my patients now. I'm very soon connecting with you, ma'am. Sure. Please allow me. Definitely. Anytime, I'd love to, if I can be of any help. Definitely. Thank you. So just tell me, what was the essence of this, of coming together today? So we came together to talk on dissociative identity disorder. I also discussed a case from Breathe, the series, which is based on the very same. And we realized that there is so much of stigma and so much of derealization, and all those D's are involved in this disorder when it comes into a personality of an individual, and that we need to create more and more awareness. So I think this meet is definitely a very informative session for us all to realize how rare, although how
confusing and how chronic this disorder is, and we need to work on something. I think the therapies also that we have are a little less to work on it, if I'm right. But we need something more integrative and more eclectic that we can use to help these clients and to, you know, work on these. I even think ho sakta hai ki kai log hamare ilawa suffer kar rahe hain par hame nahi pata because of the stigma. Like aap sabne bataya ki logo ko lagta hai unme super power aa gayi and family accept karte hai us cheez ko. So we do not know if a person is surviving with a double personality or a personality which is overpowering and having a coping strategy, but we don't know of it. I think we need to work towards it, and that's all that we discussed today. राइट और ट्रॉमा से डिसोसिएटिव जरूरी नहीं है कि इट्स अ डिसऑर्डर स्पेसिफिकली इट इज अ पार्ट ऑफ सो मेनी डिसऑर्डर्स यस एब्सोल्युटली इट इज प्रोबेबली द रूट कॉज ऑफ सो मेनी अदर डिसऑर्डर्स एंड इफ यू नोटिस मेनी टाइम्स मेनी पीपल हु इवन लूज मेमोरी इवन यू एंड मी वुड लूज मेमोरी ऑफ सम पास्ट देयर इज एम्नेसिया अबाउट समथिंग यू डोंट रिकॉल इट बट अदर्स रिकॉल इट वेरी क्लियरली एंड देन यू नो देयर इज अ ट्रॉमा अराउंड इट. Yeah. And there are therapies to deal with it. Where, you know, I'll tell you very simply in maybe a minute that what clouds us is the fear and a lot of stigma or, you know, shame. Either it could be a rape, it could be a molestation or anything, a bad touch. So the moment, you know, you can do some things where you can take the person, stabilize the person, and with the power of the present. So it's like duality. You are struggling with some feelings there, but in the present in therapy, the healing comes and the compassion can come from the session to that place where the person, you know, puts aside the shame and the fear and heals it with compassion. Wow. So imagery and visualization can do a lot of work. Tremendous, tremendous. I am a cognitive hypnotic coach and I know how it can help. Yes. I'm a cognitive hypnotic coach. To conclude the session, I'm a psychologist and I'm also practicing mindfulness-based therapies. So it really helps me, you know, connect with people at times, because the way you speak literally changes when you start practicing mindfulness. And I've heard of people complimenting me and adding to my good points that just talking to you solves half of the problem. So that is such a blessing to listen for me. So we become the good parents, or, you know, we become the healers in the present, and they know that there's always a possibility of, you know, overcoming that. Excellent. So I really missed you in the session, ma'am. I think it would I'm so sorry. It's an apology, really. It's okay. Something just took more prominence than this. It's okay. That's very much understood. Looking forward to the next session on the following Sunday. Absolutely. And concluding here for the day. Thank you all. Namaste to all of you. And it's been great to connect with you all. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. All right.